गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग सबको। और टाइम हो रहे हैं 9:15, मतलब 8:45 जिन्हें नहीं पता हिंदी में। तो अब हम चलते हैं नहाने, थोड़ा लेट हो गया आज। और जो आज मंगलवार है, हनुमान जी के मंदिर जाना था पर अब तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए शाम को जाएंगे। अभी घर में कर लेंगे थोड़ी पूजा और चलते हैं। पानी गर्म हो गया, बाल्टी में भी निकाल लिया, तो चलो चलते हैं। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। गाइस हम नहा लिए और बढ़िया हो गए नहा के। और धूप आ रही धीरे धीरे, आज बारिश का कोई वो नहीं है सर। धूप आ रही धीरे धीरे, वो देखो वो दिख रही धूप आ रही। तो अब चलते नीचे खाना खाने। और हमने नाश्ता कर लिया और हमने खाए, पता ही आपको क्या क्या, परांठे खाए हमने। और अब क्या करना, बैठते हैं थोड़ी देर और करते हैं कुछ काम धंधा। और हाँ, आज है स्टेट उड्डे हमारे हिमाचल का, तो हैप्पी स्टेट उड्डे हिमाचल वालों को, सबको आज के दिन की शुभकामनाएं और मज़े मारो। कल रिपब्लिक डे, कल सोचते हैं कुछ कहीं जाएंगे या घर में कुछ प्रोग्राम वगैरह करेंगे, तो तब तक देखते हैं क्या करना। फिर आज ही चलो। कई लोग गए ना, मतलब DM आए और वैसे भी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप व्लॉग अच्छे नहीं बना रहे, ऐसे कह रहे। तो आप बता दो अगर आप व्लॉग अच्छे नहीं लग रहे। तो मैं तो बोलता हूँ यार भाई, कमेंट में लिख सकते हो आप, जो आपको पसंद नहीं आता हम चेंज करेंगे उसे। अपनी पूरी कोशिश करूँगा मैं कि मैं उसे चेंज कर सकूँ, अपनी हैबिट, मेरे बोलने का तरीका, मेरी वैसी कोई चीज़ जो आपको बुरी लगती हो वो, तो मैं चेंज करूँगा। पर ऐसे किसी दूसरे के बाद चुगली मत लगाओ कि भाई वो ऐसे कर रहा, वो ऐसे कर रहा, इसलिए समझदार हो आप खुद भी। समझ रहे हो ना भाई, ये लंबड़दार का बच्चा साइकिल लेके ऊपर को जा रहा। कहाँ जा रहा? दुकान पे जा रहा है यार। इस मौसम देख सकते हो आज, ऊपर अल्टीमेट हो रहा। धूप तो इतनी आई नहीं, पर धीरे धीरे धूप आई रही, थोड़ी थोड़ी गर्माहट आ रही। बाकी तो ऐसी है, बाकी व्यू तो मस्त आ रहा ऊपर का। जब मुझे सर्दी सर्दी आ गई थी, मतलब तब मैंने देखा कि ये जो है ना ये भैंस वगैरह ये यूं करा है। मैं सोचू मगा यार ये अभी चिंगम खाती होंगी। कुछ भी मेरी नानी ने मुझे बताया कि चिंगम नहीं खा रही, ये पहले खा ले मैं, फिर चबा दे रहा मैं, कर दे रहा मैं, तब करें ऐसे भैंस है। मुझे लगा था चिंगम खावा, तुम गलत नहीं कर गए। चल कोई नहीं, टाइम बज के 12:30, तो अब हम खाते हैं रोटी। तो रोटी में आज बनी है खिचड़ी, अभी हमारी खिचड़ी मटर वाली खिचड़ी, भी क्या पुलाव आए हो। और लस्सी का गिलास गाड़ी हो रही है, लस्सी पानी भी पाया इसमें, पर खट्टी सी लग रही, पर कोई ना हम पी लेंगे। धूप सेक रहे आराम से बैठ के, वहाँ धूप भी नहीं आ रही फिर भी मंजा छाव में करके बैठे। और ये देखो इधर ना लगे हुए फ़ोन में, आजकल स्क्रीन पे छोटा फ़ोन है ना, वो छोटा सा आता है ना सैमसंग वाला फ़ोन है ना, तो उसमें डलते हैं पैसे, तो लिमिटेड बात करते हैं। नहीं तो पहले जियो वाला फ़ोन होता था ना, वो बड़े वाला जियो वाला फ़ोन, उसमें थी अनलिमिटेड बात। जब मन आया तब फ़ोन घुमा दिया, अब ऐसा नहीं है, अब थोड़ा सोच समझ के करते हैं फ़ोन। हाँ, खाना तो खा लिया, खिचड़ी बनाई हुई थी। और हमारी नानी गए घास काटने, तो उन्होंने बोला था भी चकवाने आ जियो हमें, तो वहाँ चलते हैं जामनी वाला खेत में। चलो फिर आगे खेत में, और ये भी मार जाता है। हाँ तो चलते हैं अब। और वो देख लो, वो है झोपड़ा यहाँ पे ना खेत में, किसी ने झोपड़ा बनाया हुआ। घर में रहते ही रह, बैन से बुन से यहीं करें, खेती भी यहीं करें, खावें भी यहीं, पीवें भी यहीं। और ओ हमारी नानी तो अभी गई किसी और, पता चकवा लिया घास, देखो सामने तैयार है, पूछते हैं भाई। इन्होंने हमारा बहुत वेट करा, लेकिन अब किसी और पे चकवा लिया घास। और हम तो आए थे यार टाइम दे, हमें क्या पता था इतनी जल्दी काट भी लेंगे, स्पीड ही बहुत है। चलो कोई नहीं, अगली बार आओगे। देख लो, पर व्यू देख लो, घास खेत ही खेत बढ़िया है। चलो चलते हैं, किसी दिन रील्स बनाएंगे यहाँ पे, फिर अपलोड करेंगे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम लिंक इन बायो। चक लूँ? हाँ, चक लूँ भाई, मजे आ गए कसम से। चक देखा मैं डोल पे, तेरे नगर जो कहीं टांग मार टूट गई ना, सारी ब्लॉगिंग निकल जाएगी मेरी। आगे डट जा, चलो चलते हैं। अरे देखना कैसे चक रखी इसने। अरे यार तो गंदी बहुत मचाया हुआ, पर यहां ठीक है। चुप ना, वो पक्का कच्चा रास्ता। ठीक है भाई, बहुत दिनों बाद चकी, पेट में थोड़ी सी दर्द भी हो रही, लेकिन मजे बहुत आ रहे। ऐसे ऐसे काम करने मुझे बहुत मजा आया कसम से। देख भी रहा, लेकिन देखो आ गया ये
मैं बहुत थक गया हूँ। जाके घास चक्के, लेकिन पेट में दर्द सी होने लगी। अरे मेरी मम्मी ने ना मतलब मंडे टू मंडे ट्रांसफर कर दी घास की भरी। अगर नीचे से चकता तो उसकी टेक्निक है उठाने की, फिर मैं खुद उठाता ना, फिर ठीक रहता। लेकिन चलो कोई नहीं, बैठते हैं। दर्द सी हो रही पर कोई नहीं, चलो। दिख रही जो ना ये लड़की, ये ना यहाँ रह इस घर में, तो इन्होंने ना मतलब सारा जंगल अपने घर रख लिया है। सवेरे भी जंगल जावे, सामने भी जंगल है। और देखो स्माइले मार रही यहाँ पे हो। और इन्होंने ना पूरी मतलब दोपहर शाम वहीं रहा है जंगल में, तो जंगल में घर बना लो, यहाँ क्यों रहना है। वहाँ से सारा जंगल इन्हें इकट्ठे करके देख लो, दिख रही लकड़ियाँ, यो भी इनकी लकड़ियाँ। और एक वो देखो पेड़ के पीछे छोटा सा दिख रहा भरा सा, लेकिन बहुत बड़ा हो भाई। टाइम होगा 4:30, हमारे लिए चाय आ रही है। तब तक हम एक छत पे गेड़ा मारे आते हैं, देखते हैं ऊपर से क्या दिख रहा क्या नहीं। आ जाओ चलते हैं छत पे। ओ देख लो सूरज बादलों में छुप रहा, सुबह से बादलों में ही छुप रहा है, दिख तो रहा ही नहीं, बादलों में ही छुपा हुआ। वाओ भाई यहाँ तो मेरे को लोकेशन ना बढ़िया लगे यार, नीचे की देखो बढ़िया आ रही भाई। ये देख लो हमारी मम्मी जी बैठे चाय लेके। अब तो मैं चाय भी नहीं पूछते हो, पहले तो पूछ भी ले में थे, अब तो चाय भी नहीं पूछते। अरे मैं नहीं देने की तुझे चाय, कितने हंस हंस के वो कर रहे, मुझे चाय भी नहीं पूछते अब। चलो कोई नहीं यार, बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल ले नीचे थे दूसरी साइड पे आ जाएगी चाय, हमें चाय नहीं पूछते अब। कोई बात नहीं, इट्स ओके। वो देखो सामने धुंध होगी, वो देखो सारे में धुंध होगी। आज नीचे शादी थी, यहाँ से दिखने की नहीं यार। नीचे शादी थी, वहाँ डीजे बज रहे थे, वहाँ अब तक यहाँ तक आ रही थी आवाज दोपहर। हम सोच रहे पता नहीं यार किन की होगी शादी, हमें बुलाया नहीं यार, बताओ। तो वो खड़े मारे नानू, और देखो ये दिव्यांश की मम्मी ये गेहूँ वो कर रहे, साफ कर रहे। ओ भाई इस बाइक की बात बताऊंगा तुम, इस बाइक के ऊपर ना एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। उस वीडियो में ना सिर्फ इस बाइक के बारे में ही होगा, पूरा व्लॉग एक बाइक पे ही ख़त्म कर दूंगा मैं। देखो तुम बहुत कुछ है इस बाइक के बारे में बताने, बहुत कुछ अल्टीमेट मतलब एंटिक पीस आया है। वो दिख रहा तुम्हें, तो मैंने एक चीज़ दिखा दो, देखो ये दिख रहा हूँ भैंस बंदरी। खंबे से लेके ना और यहाँ तक हम एक रैंप बनाओगे वहाँ पे, ठीक है थोड़े सालों में। और फिर वहाँ पे भगाओगे से रोड है इधर ना, इस पेड़ की रोड है, वहाँ पर आओगे और भगा देंगे और सीधे से ऊपर चढ़ा देंगे। और यहाँ पे ना पहले एक वो बनाओगे बड़ा सा स्टेप से बनाओगे, और यहाँ पे इस जगह पे ना इस जगह इसको एक कांच के उसमें रख देंगे। मस्त प्लान है कि भाई हमारी परिवार की सबसे पुरानी बाइक है ये, सबसे पुरानी 12-13 साल हो गए इस बाइक को। बाइक के बारे में ना आराम से चाय पीते हैं, चाय आने वाली होगी हमारी, देखते हैं नीचे चल के कि चाय बनी या नहीं। चलो हमारी चाय आ गई, देखो हमारी चाय आ गई। ये क्या कर रही मिलावट कर रही है। आ गया, चलो नीचे चलते हैं चाय पीने। चाय मस्त है, टेस्ट कर ली मैंने, मस्त बनी भी। पीते हैं, बैठते हैं आराम से फिर थोड़ी देर, अभी तो ठंड हो रही है, अंदर ही बैठेंगे रजाई में, फिर निकलेंगे बाहर थोड़ा करेंगे एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा। चलते हैं अभी, चलो टाइम होगा 5:30, तो अब हम चलते हैं हनुमान मंदिर, टाइम हो गया पूजा वगैरह करने का, तो चलते हैं। चलो भाई हम पहुंच गए हनुमान मंदिर, ये देखो हनुमान मंदिर पीछे। और अब हाथ धोते हैं फटाफट, पूजा करते हैं क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, फटाफट घर जाएंगे हाथ पैर धो के, पूजा कर लेते हैं फटाफट और फिर चलते हैं घर। चलो भाई हमने माथा टेक लिया, पूजा भी कर ली, अब चलते हैं हम अपने घर। आपको पता ही है भाई ठंड कितनी हो रही है, देख लो वो देखो पूरी ठंड लग रही है इस टाइम। घर चलते हैं, घर जाया करते हैं। बात भाई हम हनुमान मंदिर से आ गए थे और अब बैठे हुए थे हम, तो नीचे से फ़ोन आया कह रहे कि इसके अंशिका के डैडी को लेने जाना गाड़ी में क्योंकि बाहर हो रही बारिश, तो चलते हैं। चलो हम गए नीचे यार, उन्होंने फ़ोन करा भी अभी, तो कह रहे वो मना कर रहे, कह रहे रहने दो मत आओ, मैं अपने आप आ जाऊँगा बाइक पे क्योंकि बारिश रुक गई। तो कोई बात नहीं, चलो बैठते हैं आराम से, जब खाना खाने बुलाएंगे तब जाएंगे आराम से। तो नीचे से आ गया फ़ोन कि आ जा खाना खा ले लाइट जाने से पहले, क्योंकि पता है आपको बाहर बारिश हो रही, हाँ ये ट्रेंड ठीक बना रखा, जब बारिश जाएगी तो लाइट जाएगी ही जाएगी, इससे पहले खाना खा लेते हैं। चलो खाना खा लेते हैं फिर। चलो भाई आज बने हैं खाने में आलू बढ़िया फुलके और चटनी बहुत दिनों बाद। तो गाइस इस व्लॉग को करते हैं मैं एंड, होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो कल मिलते हैं दूसरे न्यू व्लॉग में, तो मेरी आंखें दिखी रही होगी पूरे सोने वाली, अपना बंद हो रही, तो अब सोते हैं आराम से, व्लॉग भी सुबह ही एडिट करेंगे। गुड नाइट, बाय।